सो लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट सीरीज ऑफ वीडियोज ऑफ इंट्रोडक्शन टू इन्फॉर्मेशन सिस्टम। ये वीडियो का फोर्थ पार्ट है जिसमें हम बाकी के इंट्रोडक्टरी पार्ट डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन, द अकाउंटिंग सिस्टम इज डैश वेयर एज द डिमांड फोरकास्टिंग सिस्टम इज डैश। अकाउंटिंग सिस्टम किसका एग्जाम्पल है और डिमांड फोरकास्टिंग सिस्टम किसका एग्जाम्पल है? देखिए, अकाउंटिंग सिस्टम में आप एक परफेक्ट आउटपुट लेकर के आ सकते हैं, तो वो डिटर्मिनिस्टिक सिस्टम हुआ। लेकिन जब आप डिमांड फोरकास्ट कर रहे हैं, फोरकास्ट यानी कि फ्यूचर प्रिडिक्शन कर रहे हैं, उसमें आप एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल सकते, सो इट इज़ अ प्रोबेबिलिस्टिक सिस्टम। सो द अकाउंटिंग सिस्टम इज अ डिटर्मिनिस्टिक सिस्टम एंड द डिमांड फोरकास्टिंग सिस्टम इज अ प्रोबेबिलिस्टिक सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेल्स फोरकास्टिंग, बजटरी प्लानिंग एंड रेवेन्यू प्रोजेक्शन आर द एग्जाम्पल ऑफ वॉट। जब हम किसी चीज़ को फोरकास्ट कर रहे हैं, बजट प्लान कर रहे हैं या रेवेन्यू प्रोजेक्ट कर रहे हैं, यानी कि रेवेन्यू भी प्लान कर रहे हैं, तो ये भी किसका एग्जाम्पल है? ये भी हमारा प्रोबेबिलिस्टिक सिस्टम का एग्जाम्पल है, क्योंकि हम प्रोबेबिलिटी के अनुसार संभावना यानी कि अजम्पशंस लगा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेजर गोल ऑफ द रिक्वायरमेंट डिटर्मिनेशन फेज ऑफ द इन्फॉर्मेशन सिस्टम डेवलपमेंट इज डैश। जब भी हम रिक्वायरमेंट डिटरमाइन करते हैं, यानी कि रिक्वायरमेंट्स गैदर करते हैं किसी भी इन्फॉर्मेशन सिस्टम को डेवलप करने के लिए, तो उसका मेन मकसद क्या होता है? वट इज द मेन गोल ऑफ रिक्वायरमेंट डिटर्मिनेशन? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। वी डिटरमाइन वट इन्फॉर्मेशन इज नीडेड बाई एन ऑर्गेनाइजेशन। हमें यह जानना पड़ता है कि ऑर्गेनाइजेशन को कौन सी इन्फॉर्मेशन की जरूरत है, यानी कि किस प्रकार का आउटपुट सभी एम्प्लॉयज एक्सपेक्ट करते हैं, उस हिसाब से हम अपना सिस्टम डिजाइन करेंगे और डेवलप करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सिस्टम मॉनिटर्स द प्रोसेसिंग ऑफ जॉब्स डेवलपमेंट एंड शेड्यूल इन द ओवरऑल सिस्टम्स। कौन सा सिस्टम जॉब प्रोसेसिंग में, उसके डेवलपमेंट में और पूरे के पूरे सिस्टम में उसका शेड्यूल सेट करने में हेल्प करता है? सो इट इज परफॉर्मेंस ऑफ द सिस्टम। ओके, सिस्टम की परफॉर्मेंस अगर बेस्ट रहेगी तो आपके जॉब्स, आपका डेवलपमेंट, आपका सभी शेड्यूल बिल्कुल सही तरीके से चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेजर रोल ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम्स इज आर, यानी कि इंफॉर्मेशन सिस्टम्स के मेन रोल क्या है, क्या गोल्स रहते हैं इंफॉर्मेशन सिस्टम के? आपको देख करके समझ में आ गया होगा, ऑल ऑफ द अबव। स्ट्रेटेजिक लेवल पर प्लानिंग करनी हो कॉम्पिटेटिव एडवांटेज के लिए, यानी कि कॉम्पिटिटर से आगे निकलने के लिए, बिजनेस के लिए कोई स्पेसिफिक डिसीजन लेना हो, या फिर बिजनेस प्रोसेसेस और ऑपरेशंस में सपोर्ट करना हो, यानी कि बिजनेस सही तरीके से चले उसमें हेल्प लेनी हो, तो सभी केसेस में इंफॉर्मेशन सिस्टम्स हेल्पफुल रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्लास ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम एप्लीकेशंस। यानी कि इनमें से कौन सा है जो इंफॉर्मेशन सिस्टम की कैटेगरी में नहीं आता? वेरी सिंपल, आप देख करके समझ गए होंगे, इट इज डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। DSS यानी कि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, ES यानी कि एक्सपर्ट सिस्टम, MIS यानी कि मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम, ये सभी इन्फॉर्मेशन सिस्टम्स हैं। केवल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कोई इन्फॉर्मेशन सिस्टम नहीं है, उसमें हम अपना डेटा स्टोर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आइडेंटिफाइज द टाइप ऑफ सिस्टम दैट रेस्ट्स ऑन एक्सेप्टेड एंड फिक्स्ड डेफिनेशंस ऑफ डेटा एंड प्रोसीजर्स फॉर कलेक्टिंग, स्टोरिंग, प्रोसेसिंग, डिसिमिनेटिंग एंड यूजिंग डेटा। सो इनमें से कौन सा है जो सिस्टम को आइडेंटिफाई करता है बेस्ड ऑन द फिक्स्ड डेफिनेशंस ऑफ डेटा एंड प्रोसीजर्स, यानी कि उसमें आप कोई चेंजेस नहीं कर सकते। फिक्स रूल्स के आधार पर जो सिस्टम बनाया गया है, जो डेटा को कलेक्ट करेगा, स्टोर करेगा, प्रोसेस करेगा, डिसमिनेट यानी कि आउटपुट देगा और डेटा को इस्तेमाल करेगा, सो इट इज अ फॉर्मल सिस्टम। दो प्रकार के इंफॉर्मेशन सिस्टम्स होते हैं, फॉर्मल इंफॉर्मेशन सिस्टम्स, इनफॉर्मल इंफॉर्मेशन सिस्टम्स। फॉर्मल इंफॉर्मेशन सिस्टम्स होते हैं जैसे कि लोअर लेवल के TPS। इनफॉर्मल इंफॉर्मेशन सिस्टम्स होते हैं टॉप लेवल के DSS। तो फॉर्मल इंफॉर्मेशन सिस्टम्स में इनपुट लेने का तरीका, प्रोसेस करने का तरीका, स्टोर कलेक्ट करने का तरीका, आउटपुट देने का तरीका बिल्कुल फिक्स होता है, लेकिन इनफॉर्मल इंफॉर्मेशन सिस्टम्स में ऐसा नहीं होता। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्वालिटी ऑफ योर डैश इज अ पार्ट ऑफ द क्वालिटी ऑफ योर इंफॉर्मेशन सिस्टम। आपकी किस चीज की क्वालिटी आपके इंफॉर्मेशन सिस्टम की क्वालिटी कहलाती है? बहुत सिंपल है, आपकी थिंकिंग की क्वालिटी आपके इंफॉर्मेशन सिस्टम की मेन क्वालिटी कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट रोल डू पीपल प्ले इन इंफॉर्मेशन सिस्टम। इंफॉर्मेशन सिस्टम में लोगों का मेन क्या हाथ रहता है, व्हाट इज देयर मेन रोल? सो दे एक्ट एज ऑल ऑफ द अबोव। चाहे वो हेल्प डेस्क सपोर्टर हो, आपने देखा होगा हेल्प डेस्क पर कोई ना कोई मदद करने के लिए, हेल्प करने के लिए, कॉल्स अटेंड करने के लिए हमेशा अवेलेबल रहता है। सिस्टम एनालिस्ट यानी कि एग्जिस्टिंग सिस्टम को स्टडी करके उसके हिसाब से उसमें चेंजेस करना हो या नया सिस्टम डेवलप करना हो, या फिर प्रोग्रामर हो, प्रोग्रामर यानी कि जो नया सिस्टम बनाता है, जो प्रोग्रामिंग करता है, तो सभी केसेस में लोगों की हेल्प रहती है इंफॉर्मेशन सिस्टम को डेवलप करने में और उसको मेंटेन करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सिस्टम्स थियरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सीज द फर्म एज अ डैश। सिस्टम की जो थियरी है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, वो किसी भी फर्म को, फर्म यानी कि कंपनी यानी कि ऑर्गेनाइजेशन, वो उसे किस नजरिए से देखती है? सो इट सीज द ऑर्गेनाइजेशन इन ऑल ऑफ द अबव फॉर्म्स। जो हमारा सिस्टम होता है वो नेटवर्क से बना हुआ होता है,
उसमें सारी की सारी इंफॉर्मेशन, उनको हम रिसोर्स कहते हैं। तो वो सारे रिसोर्स यानी कि इंफॉर्मेशन पूरे के पूरे नेटवर्क में फ्लो होते रहते हैं। सिस्टम इनपुट को आउटपुट में ट्रांसफॉर्म भी करता है, और साथ ही साथ जो फिजिकल सिस्टम है वो मैनेजर मैनेज करता है यूजिंग द कंसेप्चुअल सिस्टम, यानी कि कंसेप्ट के आधार पर जो उसको सिखाया गया है उस हिसाब से वो सिस्टम को इस्तेमाल करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एग्जाम्पल ऑफ इन्फॉर्मेशन सिस्टम। इनमें से कौन सा इन्फॉर्मेशन सिस्टम का एग्जाम्पल नहीं है, ये आपने ऑलरेडी देखा हुआ है। सो इट इज अल्फा एंड बीटा सिस्टम, फिजिकल, एब्स्ट्रैक्ट, ओपन, क्लोज और मैन मेड। मैन मेड के जो ऑपोजिट होते हैं उन्हें हम कहते हैं नेचुरल सिस्टम्स। तो अल्फा और बीटा सिस्टम टाइप्स ऑफ इन्फॉर्मेशन सिस्टम्स नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सिस्टम्स आर टेंजिबल एंटिटीज दैट मे बी स्टैटिक और डायनेमिक इन ऑपरेशन। कौन से सिस्टम टेंजिबल एंटिटीज होते हैं, टेंजिबल यानी कि जिनको आप टच और फील कर सकते हैं, और वो स्टैटिक या डायनेमिक हो सकते हैं अपने ऑपरेशन में यानी कि कार्य करने की प्रोसेस में। सो दीज सिस्टम्स आर फिजिकल सिस्टम्स, हमने अभी बताया। इनको आप देख सकते हैं, इनको आप टच कर सकते हैं और फील कर सकते हैं, जैसे आपका कंप्यूटर सिस्टम है, इट इज अ फिजिकल सिस्टम। लेकिन जो एब्स्ट्रैक्ट है, डिटर्मिनिस्टिक है, प्रोबेबिलिस्टिक है, ये कोई फिजिकल सिस्टम नहीं होते। दीज सिस्टम्स आर कंसेप्चुअल सिस्टम्स, यानी कि किसी कंसेप्ट के आधार पर ये बनाए जाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द सोलर सिस्टम इज एन एग्जाम्पल ऑफ वॉट। हमारा जो पूरा का पूरा ब्रह्मांड है जिसे हम सोलर सिस्टम कहते हैं, वो किसका एग्जाम्पल है, इट इज द एग्जाम्पल ऑफ डिटर्मिनिस्टिक सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैविंग मोर देन वन कॉम्पोनेंट ऑफ द सेम सिस्टम इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश। जब किसी भी सिस्टम के एक से ज्यादा कॉम्पोनेंट्स होते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं इट इज रिडंडेंट। रिडंडेंट यानी कि वो रिपीटेटिव है, एक से ज्यादा बार वो एग्जिस्ट करता है। सो वी हैव मोर देन वन कॉम्पोनेंट ऑफ द सेम सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, रियल टाइम मॉनिटरिंग ऑफ बिजनेस फंक्शंस परमिट्स टाइमली एनालिसिस ऑफ डैश। जब आप बिजनेस फंक्शंस को जैसे कि सेल्स, मार्केटिंग, प्रोडक्शन, ह्यूमन रिसोर्स, अकाउंटिंग, ये सभी बिजनेस फंक्शंस को रियल टाइम में मॉनिटर कर रहे हैं, तो इससे आप समय पर किस चीज को एनालाइज कर पाएंगे। सो इट परमिट्स द टाइमली एनालिसिस ऑफ व्हाट, इट परमिट्स द टाइमली एनालिसिस ऑफ ऑल ऑफ द अबव। आप सिस्टम की क्वालिटी भी एनालाइज कर सकेंगे, आप सिस्टम के अंदर ये भी जान सकेंगे कि सिस्टम प्रॉपरली अवेलेबल है या नहीं, और जो आपको आउटपुट मिलेगा उसके हिसाब से आप अपनी परफॉर्मेंस भी एनालाइज कर सकेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू इजिली मॉडिफाई द एग्जिस्टिंग सिस्टम इट इज नेसेसरी टू डैश। जब आपको एग्जिस्टिंग सिस्टम को मॉडिफाई करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, ध्यान से देखिए। जब भी किसी एग्जिस्टिंग सिस्टम को हमें मॉडिफाई करना होता है, सो वी नीड टू डिजाइन द सिस्टम विच कैन बी चेंज्ड एट अ लो कॉस्ट। हमें जो नया सिस्टम बनाना है वो ज्यादा कॉस्टली नहीं होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ठीक है, क्योंकि अगर वो सिस्टम बनाना महंगा पड़ गया तो ऑर्गेनाइजेशन को लॉस हो सकता है। सो अगर हमें किसी भी सिस्टम को मॉडिफाई करना है, इट इज नेसेसरी टू डिजाइन द सिस्टम विच कैन बी चेंज्ड एट अ लो कॉस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कंपनी विच चेंजेस देयर प्रोडक्शन एज पर द डिमांड ऑफ द कस्टमर इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच सिस्टम। जब भी कभी कोई ऑर्गेनाइजेशन अपना प्रोडक्शन चेंज करती है, यानी कि अपने प्रोडक्ट में चेंजेस लेकर के आती है एज पर द डिमांड ऑफ द कस्टमर, यानी कि उसने कस्टमर से फीडबैक लिया होगा, तो ये किसका एग्जाम्पल है। यहां पर देखिए आपके पास चार ऑप्शन हैं, ये एग्जाम्पल है अडेप्टिव सिस्टम का। अडेप्टिव यानी कि वो कस्टमर के डिमांड के हिसाब से, कस्टमर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपने आप को अडेप्ट कर रही है, जो चेंज नहीं करती उसे हम कहते हैं नॉन अडेप्टिव। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिस्टम इवेल्युएशन इज कैरिड आउट डैश। सिस्टम इवेल्युएशन क्यों किया जाता है, वाई सिस्टम इवेल्युएशन इज डन। यहां पर आपके सामने चार ऑप्शन हैं। सिस्टम इवेल्युएशन इज कैरिड आउट आफ्टर द सिस्टम हैज बीन ऑपरेशनल फॉर अ रीजनेबल टाइम। एक बार इस सिस्टम आपने यूज किया, वो सही तरीके से चला या नहीं चला, उसे आपने इस्तेमाल किया, इस्तेमाल करने के बाद आपको पता चलेगा कि सिस्टम किस तरह से काम कर रहा है, तो आप उसे इवेल्युएट कर सकेंगे और फिर आप डिसाइड कर सकेंगे कि आपको उसके अंदर कितने चेंजेस लेकर के आने हैं या फिर वो किस तरह से ऑपरेट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ एनालिसिस द वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल इज चेंज्ड रिपीटेडली एंड द रिजल्टिंग चेंजेस ऑन द अदर वेरिएबल्स आर ऑब्जर्व्ड। देखिए आपने मैथमेटिकल इक्वेशंस में ये देखा ही होगा, जब भी आप किसी भी प्रकार का एनालिसिस करते हैं, आप एक वेरिएबल की वैल्यू चेंज करते हैं तो दूसरे वेरिएबल की वैल्यू तुरंत चेंज होती रहती है, तो ये किस प्रकार का एनालिसिस कहलाता है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन। व्हेन यू चेंज द वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल एंड इफ द अदर चेंजेस, इट इज कॉल्ड एज सेंसिटिविटी एनालिसिस। यानी कि दूसरा वेरिएबल पहले वेरिएबल के ऊपर सेंसिटिव है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ फिजिबिलिटी डील्स विद द कॉस्ट ऑफ बोथ द डेवलपमेंट एंड द ऑपरेशंस ऑफ द सिस्टम। जब कभी भी सिस्टम बनाया जाता है तो हम फिजिबिलिटी स्टडी करते हैं। फिजिबिलिटी स्टडी में अलग अलग प्रकार की फिजिबिलिटी आती है, तो जब भी सिस्टम बनाया जाता है और उसे इस्तेमाल किया जाता है डेवलपमेंट एंड ऑपरेशंस के दौरान, कौन सी फिजिबिलिटी सिस्टम के कॉस्ट पर ध्यान रखती है।
सो इट इज कॉल्ड एज इकोनॉमिक फिजिबिलिटी। ये कॉमर्स का वर्ड है, आपको देख करके ही समझ में आ जाएगा। इकोनॉमिक फिजिबिलिटी सिस्टम के डेवलपमेंट और ऑपरेशंस में ध्यान देने में इस्तेमाल की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू द एक्सपेंसेस दैट अ कस्टमर इनकर्स इन कॉस्ट टाइम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ रिसोर्सेज व्हेन चेंजिंग फ्रॉम वन सेलर टू अ कॉम्पिटिटिव सेलर। जब भी कभी कोई कस्टमर फॉर एग्जाम्पल एक सेलर को छोड़ करके दूसरे सेलर के पास जाता है जो कि कॉम्पिटिटिव हो, तो उसमें कस्टमर के कौन कौन से खर्चे होंगे, यानी कि कॉस्ट, क्या समय लगेगा, कितने एक्सपेंसेस लगेंगे किसी भी रिसोर्सेज के, तो इसे हम क्या कहते हैं, वट इज दिस कॉल्ड। दिस इज कॉल्ड एज वेरी सिंपल, आपको देख करके समझ में आ गया होगा, इट इज कॉल्ड एज स्विचिंग कॉस्ट। कस्टमर एक से दूसरे पर क्या हो रहा है, स्विच हो रहा है, सो इट इज कॉल्ड एज स्विचिंग कॉस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश रिप्रेजेंट कॉम्प्लेक्स डेटा यूजिंग इंटरेक्टिव थ्री डायमेंशनल ग्राफिकल फॉर्म्स सच एज चार्ट्स, ग्राफ्स एंड मैप्स। किसी भी कॉम्प्लेक्स डेटा को जब हम 3D फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं यूजिंग द चार्ट्स, ग्राफ्स एंड मैप्स, तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं डेटा विजुअलाइजेशन सिस्टम। हम डेटा को विजुअलाइज कर रहे हैं, यानी कि देख करके उसे जान रहे हैं, इसीलिए चार्ट, ग्राफ्स और मैप्स से, यानी कि पिक्चर्स की मदद से हम अपने कॉम्प्लेक्स डेटा को ज्यादा इजिली और अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अप्लाइंग द सिस्टम्स अप्रोच द मैनेजर प्रोसीड्स फ्रॉम द डैश। जब भी सिस्टम अप्रोच इंप्लीमेंट किया जाता है, सिस्टम अप्रोच यानी कि सिस्टम को समझना है, ओके, सिस्टम को जब भी समझा जाता है तो मैनेजर कौन से स्टेप्स को फॉलो करता है, वेरी सिंपल। देखिए आपके सामने ये चार ऑप्शंस हैं, इन चार में से हमें एक बेस्ट ऑप्शन सिलेक्ट करना है। तो सिस्टम अप्रोच को अप्लाई करने के लिए, यानी कि सिस्टम को समझने के लिए, पहले हमें पूरे के पूरे सिस्टम को समझना पड़ेगा, व्हाट द सिस्टम इज, उसके अंदर जितने भी सब सिस्टम्स बने हुए हैं उन्हें बाद में एनालाइज करना पड़ेगा। सो द मैनेजर नीड्स टू अंडरस्टैंड द सुपर सिस्टम, देन द सिस्टम एंड देन द सब सिस्टम, यानी कि एलिमेंट्स ऑफ द सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लेवल ऑफ इंफॉर्मेशन हैंडलिंग। इंफॉर्मेशन हैंडलिंग का इनमें से कौन सा लेवल नहीं है, आपके सामने ये चार ऑप्शन है। इंफॉर्मेशन हैंडलिंग ऑपरेशंस असिस्टेंट सिस्टम में नहीं किया जाता, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम में, ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम में, ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम में, सभी में इंफॉर्मेशन को सही तरीके से हैंडल किया जाता है। ऑपरेशंस असिस्टेंट्स यानी कि जहां पर ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं उनको डायरेक्टली टास्क दे दिया जाता है और वो टास्क लोअर लेवल के एम्प्लॉइज को सिर्फ कंप्लीट करना होता है, दे डोंट नीड टू हैंडल एनी स्पेसिफिक टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन। तो यहां पर हमारे इंट्रोडक्शन टू इन्फॉर्मेशन सिस्टम पार्ट 4 के क्वेश्चन सीरीज कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी के क्वेश्चंस देखेंगे। थैंक यू सो मच।